नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री 27 अप्रैल को तीसरी बार राज्यों के मुख्यमंत्री से करेंगे बात। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 27 अप्रैल को बात करेंगे। खबरों के मुताबिक मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री से संक्रमण से जुड़े अपडेट लेंगे। ऐसी भी खबर है कि पीएम लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर भी राज्यों से राय लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के नेताओं में शीर्ष स्थान पर हैं। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार 27 अप्रैल तक राज्य भर में आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है। पिछले दिन बुधवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर, पाकुड़ आदि इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार आज रांची समेत कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। स्कूली किताब व मोबाइल रिचार्ज की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है। खबरों के अनुसार 20 अप्रैल से कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दिया गया है, जिससे कि लोगों को आवश्यक जरूरी पूर्ति हो सके। हालांकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। झारखंड में 4 और नए संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसमें रांची के हिंदपीढ़ी से 3 और गढ़वा जिला के 1 संक्रमण की पुष्टि हुई। झारखंड में अब संक्रमितों की संख्या 45 से बढ़कर 49 हुई है, जिसमें 25 मामले हिंदपीढ़ी का है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 20,544 है। बिजली बिल भरना हुआ आसान, इजी बिल सेल्फ बिलिंग ऐप को किया गया लॉन्च। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के लिए ऐप को लॉन्च किया है। उपभोक्ता खुद मीटर रीडिंग कर बिल जनरेट कर इसका भुगतान कर सकेंगे। ऐप से भुगतान की सुविधा 24 घंटे दी गई है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड करना होगा। लॉकडाउन के बाद बाहर से आने वाले झारखंडी मजदूरों की मदद के लिए सीएम ने कसी कमर। सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन के बाद पूरे देश से लोगों के वापस झारखंड लौटने की संभावना है, जिनकी संख्या लाखों में हो सकती है। यह सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लोगों के सामने रोजगार की समस्या होगी, इसके लिए अभी से ही तैयारी की जा रही है। सभी झारखंडी मजदूर को रोजगार दिया जाएगा। 29 लाख झारखंडी बच्चों को मिला MDM का चावल व पैसा। खबरों के अनुसार लॉकडाउन में राज्य के 29 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन का चावल और फल व अंडा का पैसा दिया गया। 1 से 5वीं के बच्चों को 4.48 रुपया व 6 से 8वीं के बच्चों को 6.71 रुपया प्रतिदिन कुकिंग कास्ट के हिसाब से राशि दी गई। हालांकि कुछ विद्यालयों में राशि मिलना अभी बाकी है, उन्हें भी जल्द भुगतान किया जाएगा। 6ठी JPSC का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 6ठी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट कल जारी कर दिया। राज्यों को 326 नए अधिकारी मिले हैं। चयनित अभ्यर्थी 27 अप्रैल को अपना प्राप्तांक देख सकते हैं। हजारीबाग के सुमन गुप्ता झारखंड टॉपर बनी, जबकि उनका पति को 32वां रैंक प्राप्त हुआ। रिम्स के डॉक्टरों ने क्वारंटाइन पूरा कर पुनः काम पर लौटे। खबरों के अनुसार 21 दिन के क्वारंटाइन अवधि पूरा करने के बाद अब रिम्स के डॉक्टर पुनः काम पर लौट चुके हैं। पहले 5 जूनियर डॉक्टर और 5 सिस्टर काम पर लौटेंगे। गढ़वा SP ने झारखंड UP सीमा का किया निरीक्षण। लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को की अपील। SP अश्विनी सिन्हा ने UP सीमा का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में दूसरे राज्यों के लोग दूसरे राज्यों में नहीं जा सकते। वहीं कल गढ़वा में एक पॉजिटिव संक्रमित व्यक्ति को मिलने से प्रशासन पूरा सख्त है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।